अब बात इस चैप्टर की तो हमें पता होना चाहिए कि यूपीएससी एमपीपीएससी से रिलेटेड ऐसे राइटिंग बहुत ज़्यादा थ्री मार्क्स फाइव मार्क्स क्वेश्चन में पूछे गए हैं और रही बात इम्पोर्टेंट तो क्लास सेवन्थ में भी बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो ऐसा ही एस एस रेलवे और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रैपिडली पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे सो so, गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो आफ्टर कम्प्लीशन दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस सो वी स्टार्टेड टाउंस ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्संस टेक्सट बुक रीडिंग विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन सो फ्रेंड्स लेटेस्ट वी स्टार्ट टाउंस ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन पार्ट थर्ड सो लेटेस्ट वी स्टार्ट अ गेट वे टू द वेस्ट ऑफ सूरत सूरत जैसा कि हमें पता है गुजरात में है वॉज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अलॉन्ग विथ कैम्बे प्रेजेंट डे खम्बत एंड समबाद सूरत वॉज द गेट वे फॉर ट्रेड विथ वेस्ट एशिया वाया गल्फ ऑफ आर्मज इम्पॉर्टेंट है हमें याद रखना है कि सूरत जो था वो एक एम्पोरियर था वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया के ट्रेड के लिए यहाँ पर जो है मोस्टली शिप से जो है ट्रेड या व्यापार होता था तो वहाँ का सबसे बड़ा जो है गल्फ ऑफ ओमरूज जो ये था मेन सेंटर था इम्पॉर्टेंट है हमें याद रखना है सूरत हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड गेट टू मिक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हियर इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना है कि सूरत को गेट टू मिक्का भी कहा जाता था नेक्स्ट इज एम्पोरियम एम्पोरियम क्या होता है तो हमें पता होना चाहिए एम्पोरियम इज़ अ प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर्स आर ब्रॉड एंड सोल्ड मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ से बहुत सारे अलग अलग जगहों से अलग अलग वेराइटी के सामान आते थे एक ही जगह पर उस सेंटर को हम एम्पोरियम कहते थे और केवल वहीं उसी जगह से वो दूसरी जगहों पर भी सेल आउट होते थे तो जो इंडिया का Emporium, the main trading center, was in Gujarat, mein, Surat. Mein tha. Next one is the city was cosmopolitan and people of all castes and creeds lived there. In the 17th century, the Portuguese, Dutch, and English had their factories and warehouses at Surat. According to the English chronicler Ovington, who wrote an account of the port. In 1689 was on average a hundred ships of different countries could be found anchored at the port at any given time. जैसा कि हमें पता है कि सूरज जो था वो एक एम्पोरियम बना हुआ था इंडिया के ट्रेड के लिए सो so, वहाँ पर अलग अलग देशों से अलग अलग लोग आते थे जैसे कि पुर्तगज हो गए डच हो गए इंग्लिश हो गए और उन्होंने वहाँ पर अपनी फैक्ट्री डालने का भी सोचा एक इंग्लिश पोइट या राइटर की हम बात करें ओविंगटन इन्होंने 1689 में एक रिपोर्ट लिखी थी जिसके हिसाब से एवरेज अगर अनुमान लगा लगाया जाए तो हंड्रेड ऑफ शिप्स वहाँ पर देखने को मिलती थी उस पोर्ट पर सूरत पोर्ट पर जो कि अलग अलग कंट्रीज से देखी जा सकती थी किसी भी समय पर हंड्रेड शिप्स तो वहाँ पर मिलती ही थी सो so, हम जान सकते हैं कि, कि कितना जो है कितना क्राउड रहता होगा वहाँ पर नेक्स्ट वन इज देर वर आल्सो सेवरल रिटेल एंड होल शॉप्स सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल्स वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है होलसेल और रिटेल की शॉप्स कॉटन टेक्सटाइल्स से रिलेटेड होती थी द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर और जरी एंड हैड अ मार्केट इन वेस्ट एशिया अफ्रीका एंड यूरोप वहाँ पर कॉटन जैसे कि हमें पता है कॉटन के साथ साथ गोल्डन लेस बॉर्डर्स जैसे कि पता है हमें ज़री या डेकोरेटिव बॉर्डर्स के कपड़े वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते थे जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में सबसे अच्छा जो व्यापार है वो सूरत में होता है कपड़ों का तो वहाँ पर गोल्डन लेस बॉर्डर या जरी की बॉर्डर वाले कपड़े जो है वो वेस्ट इंडिया से वेस्ट एशिया अफ्रीका और यूरोप में जो है ट्रांसपोर्ट होते थे दी स्टेट बिल्ट न्यूमरस रेस्ट हाउस टू टेक केयर ऑफ़ दी नीड्स ऑफ पीपल फ्राम ऑल ओवर दी वर्ल्ड हु केम टू दिटी वहाँ पर बहुत सारे रेस्ट हाउस भी बनाए गए थे ताकि जितने भी लोग बाहर से आते थे इंडिया ट्रेड के लिए उनके लिए वहाँ पर रहने की व्यवस्था हो सके देर वर मैग्फिशेंट बिल्डिंग्स एंड इनमेमरेबल प्लेजर पार्कस वहाँ पर बहुत सारी मोन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स भी थी और प्लेजर पार्कस भी थे जहाँ पर देख जिन्हें देख लोग जो है बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया की तारीफ करते थे दी खेतवाड़ सेठ और महाजन्स या मनी चार मनी चेंजर्स हैड ह्यूज बैंकिंग हाउस एट सूरत क्योंकि वहाँ पर व्यापार बहुत ज़्यादा होता था तो वहाँ पर सेठ या इन्हें कठियावाड़ सेठ के नाम से भी जाना जाता है या मनी चेंजर्स और महाजनस जो थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा बैंकिंग हाउस के फॉर्म में रहते थे ताकि जितने भी करेंसी अलग अलग देशों की आती थी उन्हें वो जो है अपनी इंडियन करेंसी में चेंज करके जो है लोगों में बांट देते थे इट इज नोट वर्थी दैट द सूरत हुट है वर ऑनर्ड इन फार ऑफ मार्केट्स ऑफ कायरों इन इजिप्ट बसरा इन इराक एंड एंडवेप इन बेल्जियम वहा सूरत के अंदर जैसे हुदीज़ है तो हंदीज क्या होता है हमें पता होना चाहिए इट इज़ अ नॉट रिकॉर्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम्ड इन अनदर प्लेस बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट हुंडी या जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज की तारीख में भी जहाँ पर हमें पैसे का लेन देन होता है वहाँ हमारी सिग्नेचर होती थी या हम लोग खुद अपने से लिखते थे कि हमने इतना पैसा इस इंसान को दिया है और अपनी सिग्नेचर करते थे तो हुंडी भी एक तरीके का वैसा ही नोट होता था जो कि मार्केट्स जैसे कि इजिप्ट आते थे बसरा आते थे या एंट्रेप आते थे बेल्जियम से ये लोग अपने जो है नोट वो वहाँ पर लिखते थे सूरत में आके कि हमने इतना व्यापार करा है और हमें इतने जो है पैसे इन्हें दिए हैं नेक्स्ट वन इज हाउ एवर सूरत बिगेन टू डिक्लाइन टुवर्ड द एंड ऑफ द सेवनटीन सेंचुरी दिस वॉज बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय द पुर्तिगज एंड कॉम्पिटिशन फ्राम बॉम्बे प्रेजेंट डे मुंबई वेर दी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टड इट्स हेड क्वार्टिक्सटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी एट टुडे सूरत इज़ अ ब्लसिंग कमर्शियल सेंटर जैसा कि हमें पता है कि सूरत जो है ये सेवनटीन सेंचुरी के बाद में धीरे धीरे इसका व्यापार जो है कम होने लगा क्योंकि जो मार्केट्स थे और प्रोडक्टिविटी थी वो मुगल शासन के कारण जो है धीरे धीरे घटती गई क्योंकि जो सी रूट था दूसरे देशों से इंडिया आने तक का वो सूरत पोर्ट पर आने आने के लिए उन्हें पुर्तगज का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता था पुर्तगज जो थे वो बॉम्बे में रहते थे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने अपना हेडकोार्टर सिक्सटीन सिक्सटी एट में बॉम्बे में मना लिया था तो इसलिए जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो लोग ट्रेड के लिए सूरत आते थे उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था अब आज की तारीख में हमें पता है कि सूरत जो है ये कपड़ों का बहुत ज़्यादा अच्छा व्यापार का सेंटर है या केंद्र है सो नेक्स्ट वन इज़ फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स मासूलीपट्टनम जैसा कि हमें पता है फ़िशिंग जो है ये मासूलीपट्टनम में होता है अब जानते हैं द टाउन ऑफ मासूलीपट्टनम और माचीपट्टनम लिट्ररी फ़िश पॉट टाउन ले ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा निवर इन दैवनटीन सेंचुरी इट वॉज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी जैसा कि हमें पता है मासूलीपट्टनम जो है ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है ये एक फ़िश पॉट टाउन के नाम से भी जाना जाता है सेवनटीन सेंचुरी में यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी और वाटर रिलेटेड एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी both the dutch and the english east india companies attempted to control masulipatnam as it became the most important port on the andhra coast the fort at masulipatnam was built by the dutch jaisa ki hame pata hai ki dutch aur east india companies jo hai वो Masulipatnam को बहुत ज़्यादा control में रखना चाहती थी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा important इम्पोर्टेंट पोर्ट था आंध्र प्रदेश के कोस्ट पर और आंध्र के तट पर क्योंकि यहाँ से जो है बहुत ज्यादा फिशिंग होती थी तो यहाँ पर व्यापार भी बहुत अच्छा खासा होता था और जैसा कि हमें पता है कि मासुलीपट्टनम का जो सबसे फेमस किला है वो भी डच द्वारा बनाया गया था नेक्स्ट वन इज अर फिशर टाउन जैसा कि हम जानते हैं दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मासुलीपट्टनम बाय विलियम Methwold, अ फैक्टर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1620, जैसा कि हमें पता है कि ये जो है एक मासुलीपट्टनम में विलियम Methwold के द्वारा लिखा गया एक डिस्क्रिप्शन है मासुलीपट्टनम के बारे में जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से बिलोंग करते थे दिस इज अ चीफ पोर्ट ऑफ Golconda, वेयर द राइट Worshipful East ईस्ट इंडिया कंपनी हैव agent. एजेंट इट इज़ अ स्मॉल टाउन बट प्रम्पलस अनवॉल्ड

जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट भी रहते थे और जो ट्रेड करने वाले लोग थे वो भी आकर जो है आखिरी में यहीं पर रहते थे क्योंकि यहाँ पर फिश जो है बहुत ज़्यादा बिकती थी तो वो वहीं फ़िश खाकर अपना गुजारा करते थे यहाँ पर बारिशें जो है बहुत ज़्यादा होती थी तो जो है पानी की यहाँ पर कमी बिल्कुल नहीं रहती थी और ये डेवलप तब हुआ जब वहाँ पर डच और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग रहने लगे मीनिंग ऑफ फैक्टर फैक्टर एंड ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जैसा कि हमें पता है कि जो विलियम मैथवाल थे ये एक फैक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के या एक इंचार्ज थे ऑफिशियल इंचार्ज थे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के सो द क्वेश्चन इज वाई डिट द इंग्लिश एंड द डाइडेड टू एस्टेब्लिश सेटलमेंट्स इन मासपटनम सो आंसर इज़ दैट कि जो डच और इंग्लिश पीपल थे उन्होंने मासूलीपट्टनम को इसलिए एक जगह एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोचा एक अच्छा प्लेस बनाने की सोचा बिकॉज़ यहाँ पर जो है फ़िशिंग के लिए पानी बहुत ज़्यादा था तो इससे जो है उनका ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा चल पाए और वो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दे सके खासकर इंडियन लोगों को नेक्स्ट वन इज़ द कुतुबशाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा इम्पोज रॉयल मोनोपोलीज ऑन द सेल्स ऑफ टेक्सटाइल्स स्पाइसेस एंड अदर आइटम्स टू प्रीवेंट द ट्रेड पासिंग कम्प्लीटली इनटू द हैंड्स ऑफ द वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनीज जैसा कि हमें पता है कि कुतुबशाही जो कि रूलर थे गोलकोंडा के इन्होंने क्या करा कि जो भी टेक्सटाइल्स या कपड़े स्पाइसेस या मसाले जो थे ये डायरेक्टली इंडिया से होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में जाते थे तो इन्होंने क्या करा इन्होंने ना डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में वो सामान ना जाते हुए इन्होंने अपने तरफ उसे खींचने की कोशिश करी फायर्स कंपटीशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स द गोलकोंडा नॉवल्स पर्शियन मर्चेंट्स तेलगुकोमती चैटीज And European traders made the city populous and prosperous. As the Mughals began to extend their power to Golconda, their representative, the, Me the governor Mir Jumla, was also a merchant. began to play off the Dutch and the English against each other. In 1686 to 1687, Mughal emperor Aurangzeb annexed Golconda. जैसा कि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया था ट्रेडिंग ग्रुप्स के अंदर ही जैसे कि गोलकोंडा नोबल्स के अंदर पर्शियन मर्चेंट्स जो थे उनके साथ में तेलुगु के कोमती जो थे उनके साथ में यूरोपियन ट्रेडर्स जैसा कि हमें पता है वो डायरेक्ट ही सब चीज़ें छीनना चाहते थे इन्होंने क्या करा कि सिटी में एकदम हलचल मचा दी और बहुत ज़्यादा पॉपुलस और प्रोस्परस कर दिया मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन डिफरेंट जगह की वहाँ पर आकर रहने लगी तो मुगल ने क्या करा मुगल के जो गवर्नर थे मीर जुमला ये भी एक तरह के मर्चेंट थे इन्होंने क्या करा डच और इंग्लिश के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया और 1686 और 1687 के बीच में मुगल एम्पीरियर जैसा कि हमें पता है औरंगजेब ने इन्होंने क्या करा गोलकुंडा पर आक्रमण भी कर दिया था नेक्स्ट वन इज़

इनके पास में और भी ज़्यादा कनेक्शंस जो थे इंडिया को लेकर नहीं थे गोलकोंडा ही इनके पास में एकमात्र रास्ता था तो इन्होंने क्या करा इन्होंने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल रोल्स को आगे बढ़ाया एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव टू बॉम्बे इन्होंने बॉम्बे पर पहले अपना राज करा फिर कलकत्ता में जैसे कि हमें पता है प्रेजेंट डे में कोलकत्ता जा जानते हैं हम इसे मद्रास प्रेजेंट डे चेन्नई मासूली पट्टनम लॉस टू बोथ इट्स मर्चेंट एंड प्रोस्पेरिटी एंड डिक्लाइन इन दर्स ऑफ द एटीन सेंचुरी बिगिन टूडे नथिंग मोर देन आ डप्लेटेड लिटिल टाउन जैसा कि हमें पता है कि मासूलीपट्टनम आज के तारी आज की तारीख में कोई भी अपना महत्व नहीं रखता है ये एक छोटा सा गाँव बस कर रह गया है तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे कि देखा कि गोलकुंडा पर आक्रमण हो चुका है और औरंगजेब का राज हो चुका है तो इन्होंने अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल रोल्स को आगे बढ़ाया इन्होंने अपने जो है ट्रेडर्स को बढ़ाने के लिए बॉम्बे पर फिर कलकत्ता में फिर छोटी छोटी जगहों पर अपना राज जो है इस्टार्ट करा नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स सो लेटस वी स्टार्ट न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स इन दी सिक्सटीन एंड सेवनटीन सेंचुरी यूरोपियन कंट्रीज व सर्चिंग फॉर स्पाइसिस एंड टेक्सटाइल्स विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया जैसे कि हमें पता है कि सिक्सटीन और सेवनटीन सेंचुरी में यूरोपियन ईस्ट इंडियन कंपनीज़ जो है ये मसालों और टेक्सटाइल के लिए अलग अलग जगहों पर भटकती रहती थी क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन चुका था यूरोप और वेस्ट एशिया में ड्यू टू इंडिया दी इंग्लिश डच एंड फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज इन ऑर्डर टू एक्सपांड देयर कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन द ईस्ट इन्होंने क्या करा इंग्लिश पीपल ने डच पीपल ने और फ्रेंच पीपल ने सब ने मिलकर एक कमेटी बनाई जिसे नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी और ये इसलिए बनाई गई ताकि ईस्टर्न साइड ऑफ वर्ल्ड में जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जा सके इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफ़र एंड वीरजी वोरा हु ओन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ़ शिप्स कंक्टेड विथ देम. शुरू में जो इंडियन ट्रेडर्स थे जैसा कि सबसे ऊपर नाम आता है मुल्ला अब्दुल गफ़र का और वीर जी वोरा का इन्होंने क्या करा इनके पास में बहुत ज़्यादा नंबर में शिप्स थी तो इन्होंने क्या करा उन्हें जो है हेल्प करने के लिए दे दी हावेवर द यूरोपियन कंपनी यूज देयर नेवल पावर to gain control of the sea trade and force Indian traders to work as their agents. उन्होंने क्या करा? East India Company ने उनके ships खरीदकर Indian traders को जो है बहुत ज्यादा लालच देते हुए उन्हें अपना agent बना दिया. Ultimately the English emerged as the most successful commercial and political power. इन दी सब कॉन्टिनेंट बाद में इंग्लिश पीपल जो थे ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कमर्शियल और पोलिटिकल लेवल पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिले नेक्स्ट वन इज द स्प्रूट इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल लेड टू अ ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट ऑफ स्पिनिंग वीविंग ब्लीचिंग डाइंग एक्सेट्रा विथ मोर एंड मोर पीपल बाद में क्या हुआ कि टेक्सटाइल से रिलेटेड अगर देखें तो इंडिया में उनके ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्राफ्ट स्टार्ट हो गए हैंडी क्राफ्ट जैसे कि हमें पता है स्पाइनिंग बुनना वीविंग जैसे कि हमें पता है कि कपड़े बुनना ब्लीचिंग डाइंग कपड़ों पर डाई करना ये जो है बहुत सारे इंडिया के पीपल को जोड़ता गया ताकि वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के काम आ सके टेकिंग दैम अप मोर एन मोर पीपल टेकिंग दैम अप इंडियन टेक्सटाइल डिजाइंस बिकम इंक्रीजिंगली रिफाइंड हाउ एवर दिस पीरियड ऑल्सो सो द डिक्लाइन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन जैसा कि हमें पता है कि इसने इंडिया की जो है कारीगरी का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन तो करा लेकिन इंडिया के हाथ से अपने जो लोग थे वो धीरे धीरे छूटते गए दे नाउ बिगेन टू वर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ एडवास विच मीन दैट दे हैड टू वीव क्लोथ विच वॉज ऑलरेडी प्रोमिस्ड टू यूरोपियन एजेंट्स जैसा कि हमें पता है कि धीरे धीरे इंडिया से अपने जो है एजेंट्स छूटते गए तो ये जो वीविंग जो ट्रेड था कपड़ों का ये जो है ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इंडिया के पीपल इंडिया के बारे में ना सोचते हुए जो कपड़े बनाते थे ये पहले ही उनके लिए डिसाइडेड था कि ये यूरोपियन के लिए जाएगा नेक्स्ट वन इज वी नो लॉन्गर एट द लाइबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लोथ और वीविंग देयर ऑन पैटर्न वीवर्स को ये छूट नहीं दी गई यूरोपियंस के द्वारा कि वो जो क्लोथ बना रहे हैं वो खुद के लिए यूज़ करें या खुद के लिए वो पैटर्न जो है इंडिया में बेच सके देड टू रिप्रोड्यूस द डिज़ाइन सप्लाईड टू दैम बाई दी कंपनी एजेंट्स उन्हें वही डिज़ाइन बनाने को दिए जाते थे जो उनके कंपनी एजेंट्स जो है डिज़ाइन करते थे या उन्हें सप्लाई करते थे बाकी इंडियन पीपल के लिए वो पुराने ही डिज़ाइन यूज़ करते थे नेक्स्ट वन इज द एटीन सेंचुरी सो द राइज इन बॉम्बे एटीन सेंचुरी में जो है व्यापार सबसे ज़्यादा बॉम्बे में बढ़ता हुआ दिखा गया साथ ही साथ मद्रास और कलकत्ता में भी विच आर नोडल सिटीज टुडे आज की तारीख में ये नोडल सिटीज़ के नाम से भी जानी जाती है क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स जैसा कि हमें पता है कला और साथ ही साथ इनका जो है व्यापार अंडरवेंट मेजर चेंजेस एज मर्चेंट्स एंड आर्टिजन सच एज वीवर्स वर मूव्ड इन टू द ब्लैक टाउन्स इस्टेब्लिश्ड बाय द यूरोपियन कंट्रीज विद इन दीज न्यू सिटीज़ बाद में क्या हुआ वीवर्स जो अच्छे लेवल पर काम करते थे मर्चेंट्स और आर्टिजन्स जो अच्छी कैरीगरी जानते थे उन्होंने क्या करा ब्लैक टाउन्स जो काले घर होते थे इन ये जो यूरोपियन कंपनीज़ बनाती थी न्यू सिटीज़ में जैसे कि बॉम्बे कलकत्ता मद्रास को न्यू सिटीज़ के रूप में यूरोपियन ट्रेड के लिए बना दिया गया था तो इन्होंने उनके लिए घर अपने तरफ से बनवा दिए द ब्लैक्स और नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सनस वर कन्फाइंड देयर वाइल्ड द वाइट रूलर्स ऑक्यूपाइड द सुपीरियर रेजिडेंट्स ऑफ द फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास और फोर्ट सेंट विलियम इन कलकत्ता जैसा कि हमें पता है कि ब्लैक्स जो थे ये इंडियन पीपल के लिए नाम दिया गया था ब्लैक टाउन्स मतलब काले लोगों के लिए घर और वाइट टाउन्स मतलब जो रूलर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टॉप या सुपीरियर रेसिडेंट्स थे या कहे कि जो सफ़ेद लोग थे उनके लिए रेसिडेंट्स बनाए गए जैसे कि सेंट जॉर्ज मद्रास में और सेंट विलियम कलकत्ता में

वास्को डिगामा एंड क्रिस्टोफर कोलम्बस द लास्ट टॉपिंग ऑफ टुडे सेशन इन द फिफ्टीन सेंचुरी यूरोपियन सेलर्स अंडर टुक अन प्रिडिकसेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ सी रूट्स दे वर ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू फाइंड द वेज ऑफ रीचिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ऑप्टेनिंग स्पाइसिस फिफ्टीन सेंचुरी की बात है जब यूरोपियन सेलर्स या यूरोप के जो लोग थे वो इंडिया आने के लिए सी रूट्स को ढूंढ रहे थे इंडिया आने का उनका मकसद केवल ये था ताकि इंडिया से आकर वो स्पीसीज़ या मसाले जो हैं वो अपने देश ले जा सके सो वास्कोडिगामा अ पुर्तगाज सेलर सेल डाउन दी एफ्रीकन कोस्ट वास्को डिगामा जो पुर्तगाल से पुर्तगल थे वो अफ्रीकन कोस्ट पर आकर इन्होंने अपनी शिप वहाँ पर रोकी

एंड रिटर्न टू लिस्बन द कैपिटल ऑफ पुर्तगल और इसके बाद में ये लिस्बन वापस चले गए जो कि पुर्तगल का कैपिटल था दॉलोइंगयर उसी साल में ही लॉस्ट टू ऑफ हिज फोर शिप्स एंड ऑफ दन सेवेंटी मैन एट दट ऑफ दर्नी ओनली फिफ्टी फोर सर्वाइवड इनकी जर्नी इतनी बड़ी थी कि इनकी टोटल चार शिप थी जिनमें से दो जो हैं ये गायब हो गई थी और एक सौ सत्तर आदमियों से कुल जो है फिफ्टी फोर जो आदमी थे वही जिंदा बचकर वापस पुर्तगाल लौट पाए थे नेक्स्ट वन इज इन स्पाइट ऑफ हिस् ऑबियस हजार दैट वर ओपन अप प्रूव्ड टू बी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल एंड ही वॉज फॉलोड बाय इंग्लिश डच एंड फ्रेंच सेलर्स जैसा कि हमें पता है कि उन्होंने जो सी रूट का जब निर्माण देखा सी रूट जब बनाया पुर्तगज से लेकर इंडिया तक तब इन्होंने प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा कमाया इनका प्रॉफिट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इंग्लिश डच और फ्रेंच सेलर्स भी सी रीट सी रूट को फॉलो करने लगे थे द नेक्स्ट वन इज़ द सी फॉर सीज रूट्स टू इंडिया हैड अनदर अनएक्सपेक्टेड फॉल आउट सी रूट्स जो इंडिया के अंदर आया वो एक नामुमकिन कार्य था जो कि वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा हुआ था ऑन द एजम्पन दैट द अर्थ वॉज राउंड क्रिस्टोफर कोलम्बस एंड इटालियन डिसाइडेड टू सेल वेस्टवर्ड्स अक्रॉस द एटलांटिक ओशन टू फाइंड अ रूट टू इंडिया जैसा कि हमें पता है कि ऐसा एजम्प्शन किया गया है कि पृथ्वी जो है वह गोल है तो इसी अजमेशन के साथ में क्रिस्टोफर कोलम्बियस जो कि इटालियन थे इन्होंने क्या करा वेस्ट वर्ल्ड्स की तरफ से आते हुए इन्होंने अटलांटिक ओशन को पार करते हुए इंडियन सी रूट को जो है ढूंढने की कोशिश की थी ही लैंडेड इन दी वेस्ट इंडीज़ इन्होंने जो है वेस्ट इंडीज़ में लैंड किया था विच गॉड देयर नेम बिकॉज ऑफ हिस कन्फ्यूज़न इन्होंने जो है वेस्ट इंडीज पर आकर ये लैंड हुए थे तो उस जगह का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ गया था 1492 में ही वॉज फॉलोड बाय सेलर्स एंड कंकर्स फ्रॉम स्पेन एंड पुर्तगल हु ऑक्यूपाइड लार्ज पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका ऑफ एन डिस्ट्रॉइंग अर्लियर सेटलमेंट्स इन द एरिया इनके आने के बाद में जो है बहुत सारे सेलर्स और भी सी रूट्स पर आए और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो पार्ट्स हैं वहाँ पर अपना राज्य जमाने का सोचा जैसे कि से जिसमें सेंट्रल और साउथ अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व थे और इन्होंने वहाँ के सेटलमेंट्स को डिस्ट्रॉय करके खुद का सेटलमेंट जो है बनाने की कोशिश की थी और ये जो पिक आप देख रहे हैं ये वास्को डिगामा जी की है इम्पोर्टेंट है हमें याद रखना है वास्को डिगामा सो द क्वेश्चन अराइजेस यू आर प्लानिंग अ जर्नी फ्रॉम सूरत टू वेस्ट एशिया इन द सेवेंटीन सेंचुरी वट आर द अरेंजमेंट्स यू विल मेक सो फ्रेंड्स इसका आंसर हम जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ में देंगे सो फ्रेंड्स आई होप ग आज की वीडियो में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैं सारी आपको लाइन बाई लाइन हिंदी लैंग्वेज में समझा चुकी हूँ आई होप आपको वीडियो आज का बहुत पसंद आया होगा और आपको मैं वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक तो बनता है शेयर भी बनता है और सब्सक्राइब भी सो गाइज प्लीज प्रेस दी बेल आइकन जिससे आप इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी इजीली पा सकें और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और अपकमिंग एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आप स्कूल लाइफ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं नहीं बन पाते हैं और आप उससे रिलेटेड भी आइडियाज़ और शॉर्ट लिख चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप ग्रुप नंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं माई व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज़ नाइन फोर टू फोर फाइव सेवन जीरो नाइन सेवन नाइन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो योर सपोर्ट इज अवर पावर थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत धन्यवाद